हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जो है हमारा गुड्डू राम रेडी हो रहा है स्कूल के लिए। जैसे कि आपको पता है कि चेरी तो रात में ही नहा लेती है ना, तो अभी जो है मॉर्निंग में चेरी ने नाई नाई नहीं करी है, बस हम इसको ड्राई क्लीन किया है, ब्रश कर लिया है। और चेरी बहुत परेशान है कि ऐसी चोटी क्यों बना दी है मेरी, है ना। हाँ, अभी जो है मैं चेरी को रेडी करने वाली हूँ और आपको दिखाने वाली हूँ चेरी का और अपना मॉर्निंग रूटीन, ठीक है। हाँ, अब बताओ मैम क्या बोलेगी। तुम ये सब ना चाहिए तो चेरी रोते बोली थी, मैम ये मेरे पापू ने ऐसी चोटी बना दी। अच्छा, फिर अभी चेरी क्या चाहती है। अभी चेरी तो पता नहीं चाहती है। नहीं पता? नहीं, मैं बताती हूँ। चेरी चाहती है कि मेरी एक नहीं, मेरी दो चोटी बना दो, यही तो चाहती है ना। हाँ। कहाँ कहाँ बनाऊँ? या और या ये। चलो मैं इसकी दो चोटी बना देती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं चेरी को उसकी कंप्लीट यूनिफॉर्म पहना दूँगी, उसके बाद बिठा के इसके जो है बाल बना दूँगी। इसको चोटी बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसी बीच हस्बैंड भी आ गए हैं। तो बस सुबह सुबह का टाइम है, सब लोग बिजी होते हैं, तो हम लोग मिल बांट के अपना काम कर लेते हैं ताकि फटाफट से ड्यूटी वाला ड्यूटी पहुँचे, स्कूल वाला स्कूल पहुँचे। और मैं तो छुट्टी वाले दिन बहुत सेटिस्फाई फील करती हूँ, क्योंकि कोई टेंशन नहीं रहता, हेडेक नहीं रहता बिल्कुल भी। बस चेरी को उठो, अच्छे से तसल्ली से रेडी करो, खिलाओ पिलाओ, स्कूल भेज दो और फिर अपने काम आराम से करते रहो, कोई झंझटबाजी नहीं है। और ड्यूटी वाले दिन तो भागम भाग रहता है, और बच्चों का यही होता है ना कि एक पेरेंट से आराम से डील हो जाते हैं और दूसरे को एकदम सता के रखते हैं। चेरी तो मेरे को बिल्कुल परेशान करके रखती है, बट हाँ इनसे मान जाती है, और ठीक भी है, एक पेरेंट का डर तो रहे। जल्दी रखो ये सारा कुछ, थप्पड़ मारूंगी मैं फटाफट कर। इसको जल्दी से रख के बंद करके और बाहर आ जाना, ठीक है। मैं बाहर जा रही हूँ। यहाँ पे चेरी का, यहाँ पे मैंने चेरी का लंच रेडी कर दिया है, और ये मैंने अपना पानी गर्म किया है जिसको मैं पीऊँगी। और जो है मुझे करना है थोड़ा सा पानी गरम चेरी के लिए, बॉटल में डालने के लिए, तो ये रख देते हैं हम। आ गया, यहाँ पे गुड्डूराम आ चुका है। चलो ऊपर बैठो, वहां बैठो, मैं लेके आ रही हूँ। हैं क्या? हाँ वहाँ बैठो, पानी गर्म हो रहा है, फिर मैं थोड़ा सा बॉटल में भर दूंगी। A few moments later. चलो चेरी पक्कू पक्कू। बाय बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करना। चेरी जा चुकी है स्कूल, अब करते हैं काम। आज कुछ भी काम नहीं हुआ है, झाड़ू वाड़ू भी नहीं लगी है, तो
अब सारे काम करने हैं और आज मुझे जो है ब्लैंकेट भी वॉश करना है, तो करते हैं। मेरा अभी यहाँ पे जीरा पानी बचा हुआ है, अच्छा इन्होंने भी नहीं पिया है, तो पहले मैं वो फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद करूँगी। और आज जो है मैं बालों में एक जो है पैक लगाने वाली हूँ, जो मैं आपको आगे शेयर करूँगी। अभी मैं इसका डिटेल नहीं बताऊँगी, एक बार मैं देखूँगी इससे मुझे इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं, उसके बाद मैं बताऊँगी। रिव्यू तो अच्छे हैं उसके बाद, लेकिन मैं अपना पर्सनल रिव्यू दूंगी कि मुझ पे कैसा असर हुआ है, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो चलो फिर काम शुरू करते हैं। तो मैंने हेयर पैक को जो है प्रिपेयर करके अपने बालों पे अप्लाई कर लिया है, ऊपर से पॉलिथिन पहनी हुई है एंड काफ़ी देर हो गई है। अब जा रही हूँ मैं हेड वॉश करने। One hour later. तो मैंने यहाँ पे नहा लिया है और ये कंबल जो है मैंने ऑलरेडी इसको ड्राई भी कर दिया था, क्योंकि ये सिंगल बेड का है तो ये ड्राई हो गया था ड्रायर में। और बड़ा वाला कंबल अभी भी मैंने लगा के रखा है, इसको मैंने जो है कंफर्ट वगैरह डाल के वॉश कर दिया है, तो सारा पानी जो है इसका इस टब में ही ड्रेन हो जाएगा। और ये वाला ब्लैंकेट ड्राई इसमें नहीं आता है स्पिनर में, तो ये ड्राई नहीं हो पाएगा। तो मैं जो हूँ अब इसको ऊपर छत पे डाल के आऊँगी, क्योंकि हमारे साइड तो धूप कम है, अब धूप नहीं आ रही है। और छत पे अगर अभी मैं डालूंगी ना, वैसे तो 1 बज गया, लेकिन फिर भी अभी छत पे बहुत धूप है, तो वहाँ जाके तो ये आराम से सूख जाएगा। तो बस ये गए हैं चेरी को लेने, और उसके बाद जो है हम लोग लंच करेंगे। बस बीच में जो है मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊंगी, तो वो चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। Later. तो ये भी जो है डबल बेड ब्लैंकेट ही है, मैंने गलती से इसको सिंगल बोल दिया था, बट सिंगल लेयर है इसलिए इजीली ड्राई हो गया ये। और इसमें अभी भी पानी था तो मुझे बहुत दिक्कत हुई इसको ऊपर ले जाने में भी, और फिर अब मैंने इसको जैसे तैसे करके डाला और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना पानी निकाल सकूँ निकाल दूँ। जो है छत पे आई हूँ, नीचे जो है चेरी खाना खा रही है, तब तक मैं थोड़ा बाल सुखा के जाती हूँ। Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip. यहाँ पे एक चीज दिखाती हूँ, यहाँ पे ना दो कबूतर एक साथ बैठे हुए हैं, एक व्हाइट है और एक वो जो दूसरा कलर होता है ना ग्रे ग्रे, देखो। आज का दिन जो है काफी अच्छे से यूज हुआ, क्योंकि चेरी का स्कूल था तो टाइम से उठ भी गए, सारे काम भी हो गए, लंच भी बन चुका है, लंच अभी हमने किया नहीं है। और मेरे को ये जो दो बड़े काम थे ना, ब्लैंकेट धोना, तो मेरे ये कंबल भी दोनों धुल चुके हैं और मैंने बालों में पैक भी लगा लिया, तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि काम के साथ साथ थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी मिल जाए ना तो अच्छा लगता है, कि अपनी भी केयर हो गई, घर के काम भी निपट गए, तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। चलो फिर अब नीचे चलते हैं, बाल वगैरह भी मैंने सुलझा लिए हैं, तो अब चलते हैं नीचे। चेरी का खाना चल रहा था इसलिए मैं ऊपर आ गई थी, मैंने सोचा तब तक मैं ये काम कर देती हूँ, रोटी वगैरह मैंने बना के रख दी है, तो बस अब चेरी सो जाएगी, हम लोग खाना पीना खाएंगे, फिर देखती हूँ कुछ एक और पेंडिंग काम होंगे वो सारे करूँगी, और अगर रेस्ट करने का मन हुआ तो रेस्ट करूँगी, और फिर शाम को मिलेंगे आप लोगों से। I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night. Oh, and we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Later that same evening. तो काफ़ी टाइम के बाद मैंने इस तरीके से जो है एक वीडियो शूट किया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, फटाफट से जाके देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल वीडियो है, जो वीडियो है बिगनर्स के लिए, जो लोग अभी जिनको पूरी तरीके से यूट्यूब में किस तरीके से जो है वीडियो पोस्ट करनी होती है, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं अपने वीडियो को प्रमोट करने के लिए, तो उस तरीके की वीडियो है वो, तो जाके फटाफट से देख लीजिए। और जो लोग भी आपके आसपास यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं उनके साथ आप उस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो पानी जो है मेरा गर्म हो चुका है, पी लेती हूँ।
छत पे जाके ये कंबल उठा लाई हूँ। सब लोग बैठे हैं, चाय पी रहे थे, मैंने भी चाय पी ली और जो है मैं भूल गई थी, फिर मुझे याद आया तो मैं कंबल उठा लाई हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। ये मेरा रूटीन है कि मैं रात में जो है सारा काम होने के बाद ना, मतलब हम लोगों का खाना पीना हो गया है तो उसके बाद जो है मैं चेरी का बैग लगा देती हूँ उसके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, जो जो बुक उसे नेक्स्ट डे जो है लेके जानी होती है। तो बैग यहाँ रेडी हो गया है और इसको ला के मैं इस तरीके से इस वाली चेयर पर रख देती हूँ। क्यों मुँह खोल के तो चेरी के नेबुलाइज लेने के बाद जो है आज का फाइनल काम ये कि भाई आज धुले थे कपड़े। जैसा कि आपको पता है तो छुट्टी वाला दिन बहुत ज़्यादा बिजी होता है, बट सारे काम निपट जाएं तो एट लास्ट अच्छा लगता है। कि इसलिए जो है आज का दिन मेरा बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा, सारे काम अच्छे से हो गए। तो कपड़े धुले थे तो ये सूख के मैंने इनको जो है शाम के टाइम में उठा लिया था जब मैं ब्लैंकेट लेके आई थी। तो यहाँ पे जो है सारे कपड़े तय हो चुके हैं और इनको मैं अब अपनी अपनी जगह पहुँचा दूँगी। चेरी के कपड़े निकाल दिए क्योंकि ये भी नहाएगी। तो यहाँ पे देखिए चेरी भी परेशान हो गई, पापू क्या हो गया, क्या हो गया ये। और ये तो बन चुके हैं बाबा रामदेव के भक्त मस्त वाला वेट लूज करके, और हम पता नहीं किसके भक्त बनने जा रहे हैं, बट कोई नहीं, एक दिन हम भी वेट लूज करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी जो है रात का टाइम हो गया है, चेरी का खाना पीना हो चुका है और इसने जो है नहा भी लिया है, और अभी भी ना इस लड़की की शैतानियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना उतना ज़्यादा ये शैतानी करती है। आज तो इसने मुझे सच में इतना ज़्यादा इरिटेट कर दिया ना, डांट भी खाई है, पिटी भी है, पर कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया इस लड़की ने मुझको। और मैं छोड़ रही हूँ। चलिए फिर अब हम लोग सोने जा रहे हैं और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे लिए तो आज ये बहुत ही प्रोडक्टिव डे रहा क्योंकि मेरे काफ़ी सारे काम हो गए हैं और मेरा बहुत अच्छा दिन बीता। एंड आप लोगों का आज का दिन कैसा रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।